एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन 30 सितंबर तक किया गया है। 30 सितंबर के पश्चात किसी भी क्षेत्र में वैक्सीनेशन किए जाने पर शुल्क प्रदान करना होगा। प्रबंधन ने क्षेत्रवासियों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। मानव सेवा ही माधव सेवा के मूल मंत्र पर मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा रहे एसआर हॉस्पिटल चिखली में 30 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में प्रथम, द्वितीय एवं बूस्टर डोज सभी आयु वर्ग के लोगों को लगाए जाएंगे। टीकाकरण से छूटे लोग इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा सके हैं। इसकी जानकारी अस्पताल के डॉक्टरों डॉक्टर एसपी केसरवानी एवं डॉक्टर पवन देशमुख ने दी। मैं डॉक्टर एसपी केसरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। मैं यह सूचना क्षेत्र की जनता को यह सूचना देना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में कल दिनांक 30/9/2022 को समय 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक निःशुल्क COVID-19 बीमारी का टीकाकरण किया जाएगा, जो कि पूरे प्रदेश में कल की तिथि जो है अंतिम तिथि है निःशुल्क टीकाकरण का कोविड का। इसलिए मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो इस शिविर का लाभ उठाएं। इस शिविर में जो 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बुजुर्ग हैं, सभी अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। इसमें फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज या बूस्टर डोज, जिसको जो भी नहीं लगा है, इस टीकाकरण शिविर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह पूरा पूर्णतः निःशुल्क शिविर है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थेसिया तथा आईसीयू इंचार्ज, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, उसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 है। कल के दिन एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में शासन द्वारा निःशुल्क टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम, द्वितीय तथा बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। जिनको कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगा है, इन दोनों प्रकार की वैक्सीन कल यहाँ उपलब्ध रहेगी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में कहीं भी निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था नहीं रहेगी। तो क्षेत्र की जनता से अपील करूँगा कि सरकार के इस निःशुल्क अभियान का लाभ उठाएं तथा अपने परिजनों को कोरोना वायरस से बचाएं। धन्यवाद। गौरतलब है कि 30 सितंबर के पश्चात किसी भी क्षेत्र में कोविड का टीका लगाए जाने पर उसका शुल्क लिया जाएगा। इसे देखते हुए एसआर प्रबंधन द्वारा लोगों की सुविधा के मद्देनजर 30 सितंबर को निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगातार स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके पूर्व भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगातार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, जिससे लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।